मान लीजिए कंपनी का बैलेंस शीट साइनिंग डेट 31/3/20 है, नहीं मान लीजिए ईयर एंडिंग 31/3/20 है, साल 1920 है, और बैलेंस शीट साइनिंग डेट मान लीजिए उसका 30 जुलाई 2020 को है, जिस दिन डायरेक्टर लोग बैलेंस शीट को अप्रूव कर रहे हैं। तो ये जो तीन महीना है, 1 अप्रैल से लेकर के 30 जुलाई तक, अगर 4 महीना है, इस 4 महीना में अगर कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट होता है तो उस इवेंट को बोला जाता है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। आफ्टर द बैलेंस शीट डेट समझो 31/3/20 के बाद हो रहा है, एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बट इट हैज टू हैपन बिफोर द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द बैलेंस शीट, जो कि मेरे एग्जांपल में 30 जुलाई है। तो 1 अप्रैल से 30 जुलाई के बीच में जो भी इवेंट होंगे, वी विल बी कॉलिंग देम इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड एडजस्टिंग इवेंट एंड अनदर इज कॉल्ड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट वो होता है जिसके बारे में कंपनी के मैनेजमेंट को पहले से पता आता है कि ये होने वाला है। मींस द एडजस्टिंग इवेंट इज एन इवेंट व्हिच प्रोवाइड्स यू फर्दर एविडेंसेस अबाउट द कंडीशंस व्हिच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। पहले से चिंगारी लगी हुई होती है, आग खाली बाद में लगती है। तो एडजस्टिंग इवेंट अगर है तो असेट्स एंड लायबिलिटीज में एडजस्टमेंट हम लोगों को उसी साल में कर देना पड़ता है। भले इवेंट अगले साल में हुआ पर एडजस्टमेंट हम लोग उसी साल में कर देंगे। लेकिन अगर इवेंट नॉन एडजस्टिंग है, मतलब कोई कंडीशन पिछले साल एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को एडजस्टमेंट अगले साल में करना पड़ेगा। पर इसी साल के डायरेक्टर रिपोर्ट में अगर वो इवेंट मटेरियल है, उसका इंपैक्ट सिग्निफिकेंट है, अमाउंट बड़ा है, तो हम लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में इसी साल उस इवेंट के नेचर को और उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा इफ द इवेंट इज नॉन एडजस्टिंग इन नेचर।